Next, we are going to study liver. What is a liver? Liver is a rigid. Rigid means it's a hard, straight. It can be straight or it can be a bent bar also, which is capable of turning about a fixed axis. ऐसे ही इसकी fixed axis है. तो इसके वो क्या कर सकता है? इसका round क्या कर सकता है? वो rotate कर सकता है, move कर सकता है. ये उसका क्या है? एक fixed end होगा. और इस fixed end को हम बोलते हैं fulcrum बोलते हैं. ठीक है. अब हम लोग करने जा रहे हैं फर्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ अ लीवर. उससे पहले जस्ट उसमें लीवर में होता क्या है समझो बच्चे. लीवर एक होता है आपका क्लास फर्स्ट लीवर. क्लास फर्स्ट लीवर में फल्क्रम आपका मिडल में आता है और लोड और एफर्ट आपके साइड में आते हैं. लोड यहां पर भी आ सकता है, एफर्ट यहां पर भी आ सकता है, वो मैटर नहीं करता. बस फल्क्रम आपका मिडल में होगा, लोड और एफर्ट आपके साइड्स में होंगे. क्लास टू लीवर में लोड आपका मिडल में होगा, फल्क्रम और एफर्ट्स आपके कहां पर होंगे? साइड्स पे होंगे. नेक्स्ट इज योर क्लास थ्री लीवर. इसमें क्या होगा? आपका एफर्ट मिडल में होगा और फल्क्रम और लोड आपके साइड में होंगे. लोड इधर भी आ सकता है, फल्क्रम इधर भी आ सकता है. उसके बाद बच्चे यहां पर कुछ टर्म्स आएंगी, जैसे एफर्ट आर्म होती है, लोड आर्म होती है. तो समझो एफर्ट और फल्क्रम के बीच का डिस्टेंस उसको बोलते हैं हम एफर्ट आर्म, फल्क्रम और लोड के डिस्टेंस को बोलते हैं लोड आर्म. अब इस केस में समझो बच्चे, ये आपकी लोड है, ये आपकी फल्क्रम है, तो ये हो गया आपका लोड आर्म. अब एफर्ट आपकी ये है, फल्क्रम ये है, तो यहां से लेके ये वाले डिस्टेंस को आप बोलोगे एफर्ट आर्म, ना कि ये वाले को. क्योंकि फल्क्रम और लोड का डिस्टेंस लोड आर्म, फल्क्रम और एफर्ट के बीच का डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? एफर्ट आर्म बोलते हैं. सिमिलरली फॉर क्लास थ्री लीवर. अब लीवर का प्रिंसिपल देखते हैं हम लोग बच्चे. कहते हैं लीवर जो है वो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स के ही प्रिंसिपल पे काम करता है. जो हमने चैप्टर वन में स्टडी किया है वो क्या था? यही था, क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ द लोड अबाउट द फल्क्रम इज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ एफर्ट अबाउट द फल्क्रम. अब बच्चे वो मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो अगर मैं लोड की बात कर रहा हूं तो लोड इंटू और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या बन जाएगा? लोड आर्म. ऐसे ही एफर्ट के लिए एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म. अब मैं क्या करने जा रहा हूं, ये एफर्ट यहां पर मल्टीप्लाई हुआ है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा. लोड अब मल्टीप्लाई हुआ है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा. तो ये बन गई. और हमें पता है लोड अपन एफर्ट क्या होता है? मैकेनिकल एडवांटेज. तो मैकेनिकल एडवांटेज की एक और डेफिनेशन, एक और फॉर्मूला मुझे मिल गया, दैट इज एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म. एक था लोड अपॉन एफर्ट, अब एक बन गया एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म. और ये जो आपकी रिलेशन है इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ लीवर बोलते हैं, लॉ ऑफ लीवर. नाउ नेक्स्ट थिंग इज बच्चे, अगर मान लो आपकी एफर्ट आर्म और लोड आर्म दोनों बराबर हैं, अगर दोनों बराबर हैं तो ये वन कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा? वन. मतलब उस केस में मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू वन. लेकिन अगर आपकी एफर्ट आर्म बड़ी है, मतलब ऊपर वाली चीज बड़ी है, लोड आर्म छोटी है, तो इसका मतलब ये आंसर वन से बड़ा हो जाएगा. मतलब उस केस में आपकी मैकेनिकल एडवांटेज इज ग्रेटर देन वन. और थर्ड केस में अगर आपकी एफर्ट आर्म इज लेस देन लोड आर्म, ऊपर वाली चीज कम है, नीचे वाली चीज ज्यादा है, तो ये आंसर वन से लेस हो जाएगा. तो इट मींस अभी हमें ये पता चला, अब देखो जैसे सेकंड में एफर्ट आर्म ज्यादा थी लोड आर्म से, और जब भी एफर्ट आर्म ज्यादा होती है लोड आर्म से तो मैकेनिकल एडवांटेज इज ग्रेटर देन वन. मतलब क्लास टू लीवर का मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा वन से बड़ा होगा और क्लास थ्री लीवर का मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा वन से छोटा होगा. मींस ये हमेशा ही आपका फोर्स मल्टीप्लायर रहेगा और ये हमेशा ही आपका स्पीड मल्टीप्लायर रहेगा. लेकिन फर्स्ट के डिफरेंट केसेस होते हैं वो आप डिस्कस करेंगे नेक्स्ट में. एक क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई सीजर्स हैव ब्लेड्स लॉन्गर देन द हैंडल्स व्हाइल शीयर्स हैव शॉर्ट ब्लेड्स एंड लॉन्ग हैंडल्स. अब सीजर्स के ब्लेड्स लॉन्गर देन हैंडल्स क्यों होते हैं बच्चे? रिमेंबर सेम वो चीज, क्योंकि जो सीजर्स हैं वो किसमें आ जाते हैं? जिनका मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन वन होता है, ताकि उसकी जो एफर्ट आर्म है वो लोड आर्म से क्या हो जाए? लेस हो जाए, और उसका मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन वन हो जाए, और ताकि वो स्पीड मल्टीप्लायर का काम कर सके बच्चे. और शीयर्स के केस में क्या होता है बच्चे? वो फोर्स मल्टीप्लायर का काम कर सके. देन इज योर बच्चे क्लास फर्स्ट लीवर. अब मैंने आपको बताया बच्चे कि फल्क्रम मिडल में होना चाहिए, उसका ये बताया है बच्चे. लेकिन फल्क्रम देखो, अगर वो एफर्ट के बिल्कुल पास नजदीक पड़ा है तो भी है तो वो मिडल में ही है. तो इस केस में अब आपकी लोड आर्म क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी. एफर्ट आर्म क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. तो जब आपको पता है लोड आर्म एफर्ट आर्म से बड़ी होती है तो मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन वन होता है. अब मान लो बिल्कुल मिडल में है तो लोड आर्म और एफर्ट आर्म दोनों बराबर हो जाएंगे, तो मैकेनिकल एडवांटेज उस केस में वन हो जाएगी.
अब मान लो आपका फलक्रम लोड के नजदीक है, तो उस केस में एफर्ट आर्म बड़ी हो जाएगी, लोड आर्म छोटी हो जाएगी, तो उस केस में मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन वन होगा। तो इसमें आपको अब याद क्या रखना है वो ये है कि क्लास फर्स्ट लीवर में तीनों केसेस पॉसिबल हैं, मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो कोई भी वैल्यू हो सकती है, ग्रेटर देन वन भी हो सकती है, इक्वल टू वन भी हो सकती है, लेस देन वन भी हो सकती है। ग्रेटर देन वन मतलब वो फोर्स मल्टीप्लायर भी हो सकते हैं, स्पीड मल्टीप्लायर भी हो सकते हैं, और दोनों ही नहीं हो सकते, इक्वल टू वन भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे है शीयर्स, क्रोबार, क्लॉ हैमर, प्लायर्स एंड स्पून। अब इनका क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन वन है, मतलब ये सारे किस में आते हैं आपके, ये सारे आपके आते हैं फोर्स मल्टीप्लायर में आते हैं। लेकिन जो लॉन्ग हैंडल ओर है, सीजर है, ये आता है आपका मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन वन में। मतलब है ये दोनों सारे क्लास वन के ही एग्जाम्पल्स हैं, बट क्लास वन में भी ये एग्जाम्पल्स वो हैं जिनका मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन वन है, मतलब ये फोर्स मल्टीप्लायर है, और ये आपके क्या है, स्पीड मल्टीप्लायर है, सीजर एंड लॉन्ग हैंडल ओर। उसके बाद बच्चे आपका है क्लास टू लीवर, हमने उसमें ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि उसमें है मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो ग्रेटर देन वन, दैट इज वो क्या है, फोर्स मल्टीप्लायर होते हैं। उसके भी आपको ये एग्जांपल्स दिए, नट क्रैकर, बॉटल ओपनर, व्हील बैरो, लेमन क्रशर, पेपर कटर, मैंगो कटर, बार यूज टू लिफ्ट अ लोड, अ डोर, रेसिंग द वेट ऑफ ह्यूमन बॉडी ऑन टोस, ये सारे आपको क्या दिए हैं, एग्जाम्पल्स दिए हैं इसके।